हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर हाउस होल्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अंगूठे वाली सॉक्स है और इसमें ये देखो बहुत ही प्यारा मैंने डिज़ाइन बनाया है। ये साइड साइड में आएगा इस तरह से डिजाइन, यानी कि हमारा जो ये पंजा है इस पंजे में चारों तरफ ऊपर की तरफ ये डिजाइन आएगा। ये मैंने एक पैर बना के तैयार किया है, इसका दूसरे पैर में मैं आपको ये डिजाइन डाल के दिखाऊंगी किस तरह से ये बनाया है। अभी मैंने इसकी सिलाई भी नहीं की है। ये देखिए, ये अंगूठा है और ये पंजा है। तो ये पीछे नीचे का ये जो हमारी एड़ी है, नीचे का जो तलवा है, ये वो हिस्सा है। देखिए इस तरह से इसमें फली बना डालकर मैंने ये पंजा बनाया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ किस तरह से इसको बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर की ऊन ली है। इसका दूसरा पैर बनाना बताऊंगी आपको, और ये 10 नंबर की मैंने निडिल का यूज़ किया है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, 51 फंदे डालने हैं। ये नॉर्मल पैर का साइज़ है। आप इससे बड़ा बनाएंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फंदे डालेंगे, और अगर इससे छोटा बनाएंगे तो आप इसमें कम फंदे डालेंगे। तो फंदे आपको इस तरह से डालने हैं, मैंने सिंगल डोरी से फंदे डाले हैं। ये देखिए ज़्यादा मोटी ऊन नहीं है, ये फंदे मैंने इस तरह से डाले हैं। ये बिगनर्स के लिए हैं। 51 फंदे इसमें डालने हैं। ये देखिए 51 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 51 फंदे डाल लिए हैं। ये फंदे इस तरह से डाल के ये हमारा फ्रंट आ गया है। आगे की तरफ से इस तरह से नज़र आएगा और ये बैक नज़र आएगा आपका। अब ये उल्टी तरफ हम आ गए हैं, रॉन्ग साइड है ये। इसमें क्या करना है, ये हमें उल्टे उल्टे इसी तरीके से उतार लेने हैं। ये पहली सिलाई है, तो इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे उतार लेने हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से मैंने ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी कर ली है इस तरह से। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, ये हमारा फ्रंट है। तो हमें क्या करना है, हमने इधर उल्टी सिलाई पर उल्टी उल्टी सिलाई की थी, तो अब हम जो है अपनी बुनाई शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहला फंदा आप सीधा लेंगे और बिना बुना लेंगे, ये हमें ऐसे ही उतारना है। उसके बाद दो फंदे उल्टे लेंगे, फिर हमें 5 फंदे सीधे उतारने हैं। 1 2 3 4 5। देखिए पहला फंदा हमने सीधा लिया है, बिना बुना लिया है, 2 फंदे उल्टे हैं और 5 फंदे सीधे हैं। अब हमें ये बीच के हमारे 35 फंदे हैं जिन्हें हमें उल्टा उल्टा उतारना है। आप चाहे तो इसे सीधा भी ले सकते हैं, प्लेन करना चाहें, जैसे ये देखिए मैंने उल्टे उल्टे लिए हैं इसमें। आप इसको प्लेन करना चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 35 फंदे मैंने उतार लिए बीच में उल्टे उल्टे। यहाँ हमने 7 फंदों की बुनाई रखी थी, 1 सीधा 2 उल्टे और 5 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से यहाँ करना है। तो क्या करना है, आप धागे को हम उस तरफ ले जाएंगे सीधी तरफ, और फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ठीक है, 5 फंदे सीधे, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 फंदे सीधे बनाए थे, उसी तरीके से यहाँ बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे रखने हैं, फिर दोबारा धागा उधर ले जाके 1 फंदा सीधा बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जिस तरह से ये फली यहाँ से स्टार्ट होगी उसको वैसे ही रखना है, फंदा सीधा रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये फंदा सीधा लिया था, इधर उल्टा आ गया है, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अभी हमारी बैक साइड यानी कि उल्टी साइड आ गई है, जिसमें हमें क्या करना है, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी उतारनी है। बस इधर और उधर पहला फंदा बिना बुना उतारना है। ये देखिए पूरी लाइन उल्टी उल्टी बना ली है। लास्ट का जो फंदा है हमें धागा उधर ले जाके इसे सीधा बुनना है, ताकि यहाँ पे जो फली बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल सीधी ऐसे ही बनानी है। ये जो फली आ रही है, ये आप देख रहे हैं, इसकी सफाई इसी तरीके से रखनी है, ये ऐसे नज़र आएगी ये फली। तो चलिए हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने बुनाई के 7 फंदे रखे थे, ये देखिए इसी पे मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ। पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है, ऐसे ही उतारना है उल्टा, फिर उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे हैं,
धागा उधर ले जाना है। तो क्या करना है, देखिए ये जो दो, एक दो तीन, तीन फंदे आपको शुरू किए, पांच फंदे सीधे बताए थे मैंने आपको, इसमें क्या करना है, ये तीसरा बीच का जो फंदा है इसको इन दोनों के ऊपर से उतारना है। किस तरीके से, ऐसे उठाना है और इसके ऊपर से उतार देना है। देखिए ये उतार दिया तो ऐसा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा एक फंदा घट गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से पांच फंदे बनाने के लिए यहाँ एक फंदे को बढ़ाना है। तो हमने धागा आगे का रखा है, एक फंदा सीधा बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ लेना है, फिर से सीधा बनाना है। देखिए ये जाली बन गई है, तो जाली की वजह से ही यहाँ पर एक फंदा हमारा घट गया था और एक फंदा यहाँ बढ़ गया है। ये दोनों फंदे इसी तरीके से सीधे बुनने हैं। ये हमारा डिजाइन शुरू हो गया है। अब बीच के जो हमने उल्टे उल्टे फंदे किए थे उनको इसी तरीके से उल्टा, हमने सीधा सीधा बुना था। आप उल्टा उल्टा करना चाहे उल्टा उल्टा कर लीजिए, सीधा सीधा करना चाहे सीधा सीधा कर लीजिए, आएगा सेम ऐसा ही जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बीच के ये फंदे सारे उल्टे उल्टे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ 35 फंदे हमारे ये कंप्लीट हो रहे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 35 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये बात की जो 7 फंदे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था एक सीधा दो उल्टे और 5 सीधे, तो अब ये 5 सीधे हैं। तो अब हमें जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको सेम इसी तरीके से यहाँ करना है। दो फंदे हैं इसके ऊपर, तीसरा फंदा जो बीच का है इसके ऊपर से उतारना है, आराम से उतारना नहीं तो आगे का फंदा गिर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने इस पर से उतार दिया है, तो ये दोनों फंदे को क्या करना, पहला फंदा धागे को पीछे ले जाएंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उसके बाद धागा आगे लाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे। तो ये जो हमने धागा आगे लेकर आए थे और उसके बाद हम सीधा बुन रहे, देखिए इसके ऊपर से जा रहा है और ये जाली बन गई है, यानी हमारा यहाँ फंदा घट गया था और यहाँ फंदा हमारा बढ़ गया है। बाकी के दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब हमें दो फंदे उल्टे हैं तो ये ना उल्टा बुन लेंगे, ठीक है, और ये लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये फली बनकर आ गई है इधर किनारे पर, तो हर बार हमें ऐसे ही करना है। अब हम आ गए हैं बैक साइड यानी कि पीछे की तरफ, तो हमारी ये बैक साइड जो है सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा है, उसके बाद उल्टी सिलाई पूरी करनी है। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरफ से मैंने आपको डिजाइन बताया था। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं पांच फंदों का यहाँ पर डिजाइन है, तो यहाँ मैंने डिजाइन बताया था, अब की बार आपको यहाँ इन दो फंदों को बताऊंगी। तो चलिए फिर देखते हैं, पहला फंदा हमें उल्टा इस तरह से उतार लेना है बिना बुना, हर बार ऐसा ही करना है, और दो फंदे आपके उल्टे हैं, ठीक है। अब धागे को उस तरफ ले जाना है, शुरू में हमने इस पर डिजाइन बनाया था, तो ये दोनों फंदे हमें सीधे बुनने हैं, ये भी और जाली वाला भी। अब यहाँ बचे तीन फंदे, जैसे यहाँ पर तीन फंदे थे इसी तरीके से यहाँ पर तीन फंदे हैं, देख रहे हैं आप। तो अभी पीछे तीसरा ये जो फंदा है इन दोनों के ऊपर से उतार देना है जैसे हमने यहाँ किया था। अब हमें पहला फंदा सीधा बनाना है, फिर धागा आगे लाना है, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाना है, और ये धागा इस तरफ से आगे की तरफ से ले जाना है। ये देखिए जाली भी डल गई है और फंदा हमारा एक का तीन बन गया है। एक बार हमने यहाँ पे डाली थी बुनाई और एक बार इधर डाली है। अब बाकी के 35 फंदों को हमें फिर से उल्टा बनाना है, तो धागा अपनी तरफ लाना है और ये 35 फंदे इसी तरीके से उल्टे बनाने हैं। बुनाई तो आपको समझ में आ रही होगी, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपना कमेंट्स के थ्रू भी आप मुझसे पता कर सकते हैं किस तरह से ये डिजाइन डलेगा, और इसे दो कलर में भी आप डाल सकते हैं, मैंने इसमें एक कलर में ही इसको बताया है आपको। तो ये 35 फंदे पूरे होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 35 फंदे हैं ये बीच में, और ये 35 फंदे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको यहाँ पर मैंने आपको ये बुनाई बताई थी, तो इसे धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे,
फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा भी सीधा बुनेंगे। अब यहाँ हमारे तीन फंदे आपको नज़र आ रहे हैं हिप लेंथ, इसमें क्या करना, तीसरे फंदे को इन दोनों के ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए ये दो फंदे बचे हमारे और तीसरा हमने उतार दिया, तो ये हमारा घट गया। तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, तो ये जाली बन जाएगी, एक का तीन बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपको ये नज़र आ रही होगी, पहले यहाँ डिजाइन डाला था और फिर यहाँ पर डाला था। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से दो फंदे उल्टे बनाएंगे और पहला फंदा ये लास्ट वाला जो है ये सीधा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है, पहला फंदा बिना बुना और बाकी पूरी लाइन उल्टी उल्टी करनी है। देखिए उल्टी बुननी है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टी सिलाई पूरी पूरी उल्टी बना ली है, अब ये सीधी तरफ आ गए हैं। फिर से हमें ऐसे ही करना है, पहले हमने इधर बुनाई डाली थी फिर इधर डाली थी, अब हमें इधर बनानी है। बस एक चीज़ का आपको याद ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो आपको नज़र आ रही है ये जिस तरफ होता है उस तरफ बुनाई शुरू करते हैं, फिर जब देखते हैं कि इधर वही ये दूसरी तरफ डल गया है तो इधर नहीं बनाते हैं, फिर इधर डाला जाएगा। तो सीधी तरफ से फिर से ऐसे ही करना है। तो कैसे करना है, वही पहला फंदा बिना बुना, दो फंदे उल्टे, फिर ये धागे को पीछे ले जाना है और ये तीन फंदे हैं देखिए, क्योंकि हमने इधर डाली थी तो अब इधर डालनी है, तो तीसरे फंदे को दो के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। फिर पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, तो ये हमारी जाली भी बन जाएगी। जो फंदा घटा था ये जाली के थ्रू एक फंदा बढ़ जाएगा। वो दोनों फंदे हमें सीधे बुनने हैं, फिर से हमें 35 फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इतना कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। ये मैंने 32 लाइनें करी हैं, यहाँ से आप गिनेंगे तो पूरी 32 लाइनें, 32 लाइनें हैं ये। आपका पैर अगर बड़ा है तो आप इससे बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आप, तो ये दो एक लाइन हमें प्लेन बनानी है। ये डिजाइन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, अब हमें ये अंगूठा शुरू करना है। तो इससे पहले हम एक लाइन प्लेन बना लेते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, ये एक उल्टा लेना है बिना बुना और बाकी फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये राइट साइड से यहीं से पूरी लाइन सीधी बनानी है। ये एक लाइन पूरी सीधी कर बना ली है, अब यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं डलना है, डिजाइन को यहीं पे कंप्लीट कर देना है। ये देखिए ये लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है, एक सीधी और एक उल्टी, ये इस तरह से नज़र आएगा। पहले हमने अंगूठा बनाया था, बाद में पंजा बनाया, अब यहाँ पे पहले पंजा बनेगा फिर अंगूठा बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 18 फंदे अंगूठे के छोड़ देने हैं इस तरफ से। ये 18 फंदे हम एक सेफ्टी पिन में भी पिरो सकते हैं, किसी भी क्लिप में पिरो लीजिए अलग से, या किसी और दूसरी सिलाई में भी पिरो सकते हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और बाकी के फंदों के लिए हमें जो है, देखिए कितने फंदे हैं, ये 33 फंदों को हमें बुनना है। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह से बुनना है। सबसे पहले तो इसका आधा आधे भाग कर लेंगे। तो कैसे करना है, पहले वे बुना लेना है, ये 15 फंदे हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 15 फंदे लेने हैं, ये हमारे 15 फंदे हैं और 15 फंदे ये हैं। बीच के फंदे लेने हैं हमें तीन, एक दो तीन, तो ये तीनों फंदे हमारे को यहाँ पर लेने हैं, यहाँ एक दो तीन, तो इन तीन फंदों का एक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए ये तीन फंदों का एक करके ये फली बना रखी है पूरी, जिससे कि पंजे की शेप अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है हमें, ये देखिए ये बीच के तीन फंदे हैं, इस फंदे को ऐसे उतारना है सिलाई पर, दूसरा भी उतारना है, फिर हमें ये घुमाकर पीछे वाले फंदे को पहले पिरोना है यहाँ सिलाई में, और ये पीछे वाला जो इसके आगे वाला है इसको इसके ऊपर पिरोना है। ये देखिए अब हमें इन तीनों को एक कर देना है। जैसे यहाँ 15 फंदे हमने सीधे बुने हैं, इसी तरीके से ये 15 फंदे सीधे बुने हैं। अब हमें ये 18 फंदे हमारे यहाँ पर
अंगूठे के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, अभी नहीं बुनेंगे। अब इसको पलट देते हैं, 15 फंदे हैं, ये उल्टी उल्टी सिलाई पूरी ऐसी बनानी है। सारे मिला के हमारे 31 फंदे रह गए हैं, पहले 33 थे, 33, अब हमारे 31 रह गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 15 फंदे यहाँ हैं और 15 फंदे यहाँ हैं, और ये बीच में हमारी फली है। अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ घटाया था 3 का 1 करना है, हर सीधी सिलाई पे 3 का 1 करना है। यहाँ हमारे 15 है, 15 फंदे से अब ये 14 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए पहला फंदा ऐसे बिना बिना उतारना है, बाकी 14 फंदे बुनने हैं। ये देखिए 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम उसी तरीके से बीच में सेंटर के उस पर ही आ गए हैं जहाँ हमने फली बनाई थी। ये बीच का है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो एक इधर से लेंगे, उसी तरीके से करेंगे। पहले इसको इसको उतार लेंगे और दूसरा भी उतार लेंगे। ये घुमा के पहले पीछे वाले लेंगे, फिर इसके ऊपर से इसको ऐसे पिरो लेंगे। फिर पिरोने के बाद ये इधर का लिया एक और 3 का 1 कर दो। ठीक है फ्रेंड, समझ में आएगा ना ये? देखिए नहीं समझ में आएगा तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ 14 रह गए, पहले यहाँ 15 थे, अब 14 है, उसके बाद 13, 13 के बाद 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9। जब 9 फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे 9 फंदे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फली इस तरह से बन गई है। हमने सारे फंदे घटा लिए हैं, तो यहाँ पर हमारे 9 फंदे बचे हैं, इधर भी और इधर भी। ये हमारा बीच का फंदा है फली का। अब हमें क्या करना है कि इसको 9 फंदों को इस तरह से हमें बुनना है। बुनने का क्या करना है, हमें इस तरह से 2 भाग कर लेने हैं, ऐसे जोड़ लेना है इसको। ये ऐसे जोड़ने के बाद इस धागे में हमें सुई पिरोनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं दिया है। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ कोई जॉइंट नहीं दिया है, बहुत से लोग यहाँ पे जॉइंट देते हैं, लेकिन मैंने इसको सुई से सिला है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से आ जाएगा, इसी में ऐसे आ गया है जैसे यहाँ है, यहाँ पर दोनों एक जैसे हो गए। अब हमें यहाँ पे अंगूठा बनाना है, तो जो हमने यहाँ पे 18 फंदे रोके थे उन्हीं को हमें प्लेन प्लेन बुनना है। ये देखिए यहाँ 18 फंदे थे, तो 2 का 1 2 का 1 करने के बाद यहाँ हमने सारे 9 फंदे लिए हैं। हर फंदे को, हर 2 फंदों को एक करते जाना है, तभी हमारे 9 फंदे बचेंगे। जब ये 9 फंदे बचेंगे तो ये हमने देखिए सुई पहले से प्रो के रखी है इस तरह से धागे में। अब हमें क्या करना है, इनको एक सुई में इस तरह से उतार लेंगे, जितने भी 9 फंदे बचे हैं। ये देखिए इसको धागे को ऐसे खींच देंगे और सिलाई को हम एक तरफ हटा देंगे। हम इसे बैक साइड कर लेंगे, यानी कि उल्टा कर लेंगे, ताकि इसकी सिलाई कर सकें। और ये धागे को ऐसे देखिए, जितने भी फंदे हमने धागे में पिरो लिया, धीरे से इसको खींच कर इसकी गोलाई देंगे। अब इसको उल्टी तरफ से इस तरह से पकड़ के हम ऐसे ये सिल देंगे। ये देखिए अंगूठा हमारा सिल गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पंजा है इसको भी इस तरह से सिल लेते हैं। ये यहाँ से ये यहाँ तक जोड़ने के बाद इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो इसे किस तरह से करना है देखिए, ये प्लेन हिस्से को प्लेन हिस्से से मिलाना है, और ये हमारा उल्टा उल्टी जो लाइन है इसको यहाँ पकड़ना है और ऐसे जोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया है इसको आपस में दोनों पीस पकड़ के। ये जो हमने यहाँ पे धागा काटा था इसको यहाँ ले लेंगे, सिलाई के साथ ही इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए बैक, ये उल्टी तरफ से ये इस तरह से नजर आएगा। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से नजर आएगा, लग रहा है ना सुंदर? ये किनारा हमने देखो एक बेबिना फंदा लिया था, इसलिए किनारा कितना सुंदर बन के आया है दोनों तरफ से, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखने में भी बुरा नहीं लगता है। दूसरे सॉक्स को भी इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे, तो ये भी ऐसे ही नज़र आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मालूम कर लीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।